कैसे हो आप लोग दोस्तों? जैसे जैसे आप लोग मुझे बोलते जा रहे हो, मैं चीजों को इम्प्रूव करता चला जा रहा हूँ। आपने बोला था सर बैकग्राउंड थोड़ा अलग कर दीजिए, मैंने बैकग्राउंड अलग कर दिया। आपने बोला सर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लाइसेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए बता दीजिए, मैंने बता दिया। आज मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लाइसेंस को फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लाइसेंस का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, CEIIndia.org वेबसाइट पर जाके कैसे वहां पर फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको भेजते हैं उस जगह पे जहां उसकी जरूरत होती है। दोस्तों उसका हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है, और पुणे में भी हड़पसर में है, जहां पे मैं रहता हूँ यही पास में ही रहता है। तो आपको स्क्रीन पे ले चलूंगा, वहां पर स्क्रीन पे आपको कंप्लीट दिखाऊंगा किस तरीके से जाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर्म को पढ़ लेना अपने से अच्छे तरीके से, सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, उसके बाद अप्लाई करने का मन करेगा तो अप्लाई कर देना, तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना, और अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना। चलो लेके चलते हैं आपको, पहले दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, चलो अब इंतजार खत्म हो गया आपका। अब आपको बताता हूँ स्टेप वाइज किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है खुद को ISE में, ठीक है। कैसे इंजीनियर्स अपने को स्ट्रक्चर इंजीनियर लाइसेंस के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है। आप चाहो तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लो, आसान भाषा में मैंने पहले भी बता रखा है, वीडियो नंबर 14 देख लो। तो अब यहाँ पर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने पढ़ सकते हो कि क्यों बनाया जाता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं इसको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी आसान भाषा में बता दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कई ढेर सारे कोर्स हैं, सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जो कोर्स है मैं उधर आपको लेके चलता हूँ। ये सबके लिए है, ये मेंबरशिप होता है, तो कौन कौन मेंबरशिप ले सकता है उसके लिए है यहाँ पर। तो मेंबरशिप के लिए अपना कुछ एक फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको जो चाहिए वो चाहिए सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए, ये वाली फी है आपकी। और यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि स्ट्रक्चर्स में आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एमटेक, अगर बीटेक और एमटेक है आपका तो 2 ईयर्स का क्या बोलते हैं ही मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए, तुम भी कर लो अपनी गर्लफ्रेंड का भी करा दो, 2 ईयर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये होनी चाहिए। और बी वालों के लिए कितना दिया हुआ है ही 5 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंजीनियर्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पर फॉर्म दे देगा, ठीक है। कई जगहों पर 3 ईयर्स भी एलिजिबल है, बट क्या बोलते हैं मैक्सिमम जगहों पर 5 ईयर्स के लिए एलिजिबल है। तो ये आप यहाँ पर ये करने के बाद ये आपका फॉर्म आ जाएगा, और ये आपकी फी है लाइफ टाइम मेंबरशिप की। कैसे भरेंगे भाई, फॉर्म कैसे भरेंगे ये सोच रहे होंगे, तो फॉर्म के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें से आपको रजिस्टर किसके लिए करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ISE के लिए। जस्ट इस पर क्लिक कर देना, एक छोटा सा लेटर आ जाएगा। तो ये जो है ये कहाँ के लिए है, बड़े मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, तो ये कहाँ के लिए है, तो ये है आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए फॉर्म है ये। इस फॉर्म को भरना पड़ता है, भर के भेजना पड़ता है, आप पोस्ट ऑफिस से भर भेज सकते हो। ये फॉर्म कहाँ का है, मतलब इसका ये ऑफिस कहाँ पर है, इसका ऑफिस है पुणे सोलापुर हड़पसर पुणे, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में ही, एकदम बगल में ही है, बगल इन द सेंस 2 किलोमीटर है। अब ये मत बोलना कि सर मेरा फॉर्म भर दोगे क्या, ठीक है, आप खुद से भरो, ठीक है। एक दिन एक लड़के ने कॉल करके बोलता है सर वो आपके अगल बगल कोई रूम होगा क्या, खोज के दे दोगे क्या, तो वो काम मत करना, आप खुद से यहाँ पर ऑफिस लिखा हुआ है आप सर्च कर लो, और उसके बाद यहाँ पर ये इसका आप एप्लीकेशन नाम वगैरह दे दो, फॉर्म का नाम अगर रखना है तो रख दो, कैसा है आपका अप्रोप्रिएटर है या पार्टनरशिप में खोले हो या फिर डायरेक्टर हो, क्या हो आप बता दो यहाँ पर। कंपनी रजिस्टर कैसे करना मैं पहले बता चुका हूँ, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पर टिक कर लो, ठीक है, अप्रोप्रिएटर आप कर सकते हो, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ एज, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दे दो, मोबाइल नंबर वगैरह दे दो, ठीक है, एजुकेशन को थोड़ा सा गिव डिटेल्स अच्छे से दे देना, ठीक है, ईमेल आईडी दे देना, आपने कहाँ से हाई स्कूल पास किया, कहाँ से 12th पास किया, वो सब भी डिग्री दिखा देना,
एक्सपीरियंस आपको जो है वो कहाँ पर है, कैसे एक्सपीरियंस है, वो सब लिख दीजिएगा। आपका ये फी है जो कि आप डीडी के थ्रू इनको जमा कर सकते हो, ठीक है। इनका ऑनलाइन आप निकाल लो कहाँ, इनका अकाउंट नंबर वगैरह और लगाने के बाद यहाँ पर अपना सब कुछ वो डिटेल दे दो कि आपने डीडी बनवाई है या फिर चेक है, जो भी सिस्टम है आपका यहाँ पर लिख दो। इसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फीस जो है कितनी फी है आपकी, 10,000 फी है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये चार्टर्ड इंजीनियर का फी क्या होता है और ये चार्टर्ड इंजीनियर क्या होता है, आपको जानना है तो नीचे लिखो यस सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट चार्टर्ड इंजीनियर। तो अगर बोलोगे तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा चार्टर्ड इंजीनियर क्या होता है, ठीक है। ढेर सारे मैसेज करो और लाइक जरूर किया करो यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये अंडरटेकन हो गया, फिर यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए है केवल, ठीक है। अपना ये मेंबरशिप वो लोग अपना भेजेंगे। ये सब फिल करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीस आपकी, पैसा आपका वापस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट आपको रजिस्टर्ड के स्पीड पोस्ट के द्वारा ही इसको भेजना चाहिए, तो ये फॉर्म फिल करके आपको भेज देना चाहिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पर जाके ये क्या बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पर जाके कॉल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है जिस पर आप चैट कर सकते हैं, चैट इन द सेंस कि जाके उनको बात कर सकते हैं उनसे कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसी का ही दूसरा पेज है, आपको समझ आ गया। डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, डाउनलोड करके अपना संदेश और क्या बोलते हैं चेक नंबर अपना ये सब कुछ लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उस करने के बाद आप इसको भेज सकते हैं। तो ये रहा आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का फॉर्म, समझ में आया भाई, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा पढ़ लेना, पहले पढ़ने से पहले मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना तब भरना, कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे मत बोलना कि सर मैंने ये गड़बड़ कर दिया। तो एक बार पूरा पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और इसके लिए बहुत ढेर सारे वेबसाइट्स पे इसके बारे में लिखा भी है कि क्या क्या कैसे कैसे एलिजिबिलिटीज एंड ऑल, इन सबको पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए, होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको कंप्लीट गाइड मिल गया होगा, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे रजिस्टर्ड करते हैं उस पर भी वीडियो बनाओ, ठीक है। इन द सेंस कि जैसे कि पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, पीएमसी। अब पीएमसी के लिए कैसे रजिस्टर्ड करते हो, क्या मैं आप चाहते हो कि मैं बताऊँ, ठीक है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो। तो पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो बोलो, नॉट ओनली पुणे, जहाँ का आप कमेंट करोगे वहां का बताएंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कर देते हैं कि वही समझ में आएगा अपने को। चलिए, तो इस तरीके से हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। आपका टेंशन खत्म। नीचे कमेंट करिए कि आपको चार्टेड इंजीनियर के बारे में जानना है क्या, अगर हाँ तो, और अगर आपको जानना है कि कैसे किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड करते हैं फॉर प्लानिंग वगैरह जो हम लोग देते हैं उसके लिए, तो भी नीचे में कमेंट करके बताओ। चलिए जी, थैंक यू। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है। कल मैंने एक छोटी सी शायरी बोली थी तो बड़े लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, इसलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे ढेर सारी शायरीज को कोशिश करता हूँ, डालता रहूँ, बोलता रहूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, और इट्स नॉट लाइक कि जुड़िए ही, आपका मन करे तो, अगर आपको शेर व शायरी वगैरह सुनने का मन है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ। आओ इंस्टाग्राम पे, थोड़ी बहुत आपसे बातें भी होगी, क्योंकि वहाँ पे इजी होता है, फटाफट वीडियो रिकॉर्ड किया और डाल दिया। तो आइए बातें भी करते हैं और ढेर सारे सिविल इंजीनियरिंग की बातें भी करते हैं। तो काम और मनोरंजन दोनों होना चाहिए, तभी लाइफ मस्त रहती है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको अब क्या किसी प्लानिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो इन द सेंस की जैसे कि हम लोग मैंने बताया आपको बीएमसी के लिए आपको रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करेंगे ये जानना है क्या। सी पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस कैसे निकालना है ये जानना है क्या। पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस कैसे निकालना है वो जानना है क्या। लाइसेंस का अलग अलग कैटेगरी होती है क्या वो जानना है क्या। इस तरीके के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है नीचे कमेंट कर दो। कमेंट करोगे तो अगला वीडियो उसी से रिलेटेड होगा, और आपको अगला इंडस्ट्री जरूरी ही अगला हो, स्टेप वाइज मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि आपका वीडियो, आपके टॉपिक जो है उसका वीडियो लेके आए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना शेयर कर रहे हो कि मुझे पता भी नहीं रहता, इतने ढेर सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल में, देखता हूँ उसके बाद देखता हूँ अरे वाह क्या बात है। तो जब आप लोग इस तरीके से अप्रिसिएट करते हो, हमें लगता है कि यार अपने टाइम से इनके लिए भी कुछ टाइम दो, क्योंकि ये लोग बहुत प्यार करते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम पे आइए, बातें करेंगे, मजा आएगा और क्या बोलते हैं मनोरंजन भी होगा। थैंक यू।